अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम हो गया सुबह का और आप सबको सुबह बखैर। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। और अभी बस मैं जाने लगी हूँ नाश्ता बनाने, तो देखते हैं आज आगे क्या व्लॉग शूट करना है। और ये है हमारा सुबह का नाश्ता, अंडा साथ में सूजी और तंदूर की रोटी। नाश्ता मैंने कर लिया था और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ सालोन, तो फिर सालून जाके देखते हैं कि क्या करना है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सालून की रूटीन के मैं जाते वक्त कौन से काम करती हूँ सालून जाके। सालून पे आने के बाद पहला मेरा काम ये होता है कि मैंने पानी बनाना होता है कूलर में, और अभी मैंने मोटर चलाई है फिर ठंडा पानी निकल आएगा, तो फिर कूलर भरेंगे। कूलर मैंने भर लिया है और मेरा सेकंड काम होता है कूलर में पानी भरना, तो अभी कूलर में पानी भरती हूँ। और मेरा थर्ड काम, और ये है मेरा सबसे पसंदीदा काम, गैलरी से जो ठंडी और ख़ूबसूरत हवा आ रही है ना, माशाल्लाह। अच्छा, मेरे घर में ना इतनी ठंडी हवा नहीं लगती क्योंकि उधर आसपास मकान आ जाते हैं तो इतनी ठंडी हवा नहीं आती, लेकिन यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। और उधर जो है ना कूलर में पानी भरा जा रहा है, और इधर माशाल्लाह से हवा इतनी ठंडी होती है। फर्स्ट दो बजे तक, ढाई बजे तक ना मैं बिल्कुल ही कूलर यूज़ नहीं करती, लेकिन इस टाइम मैं आती हूँ मोटर चलाती हूँ और ठंडा पानी निकलता है तो मैं पहले कूलर भर लेती हूँ, क्योंकि वह कस्टमर भी आ जाए तो ठंडा पानी होता है फिर ठंडी हवा आती है। अभी मैंने जाना है टेलर को कपड़े देने, मेरी फ्रेंड आ गई है बाहर तो उसके साथ जाती हूँ दर्जी को कपड़े देने। कपड़े हमने दे दिए हैं सिलाई के लिए और अभी बस मैं जाने लगी हूँ इधर से घर। जब से मैं सऊदीया से आई हूँ बस देखती हूँ गोले वालों को, लेकिन कभी लिया नहीं है। आज मुझे बहुत शौक हो रहा था तो हम लोग आए इधर गोला खाने, लेकिन आपस की बात है मुझे ज़रा भी वो रास नहीं आया, इसका टेस्ट वोमिट होना स्टार्ट हो गई थी मुझे ये खाते ही। और इसकी वजह एक ये भी थी कि शाम को बच्चे पार्क में फुटबॉल प्ले करते हैं, वो देखने आए थे हम लोग। और ये शाम के टाइम जो है ना मंथली इनसे बच्चों से कुछ फ़ीस लेते हैं, और उसको लेने के बाद जो है ना कुछ चार पांच कोच हैं इनके, और इनको एक्सरसाइज भी करवाते हैं और गेम्स भी प्ले करवाते हैं, तो ये वैसे एक अच्छी है, इससे बच्चे एक्टिव भी रहते हैं और बच्चे गेम से भी बाहर निकलते हैं, जैसे मोबाइल में लगे रहते हैं तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो ये एक अच्छा काम है। मुझे तो ये लगता है कि आजकल जो है ना इस तरह की गेम्स होनी चाहिए, मगरिब के बाद मतलब डेली बच्चे वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और इनका ये एक्सरसाइज करवाना और इनको फुटबॉल प्ले करवाना और ये सारी इनकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे सिर्फ मोबाइल पर लगे हुए हैं और उनकी आइज़ भी ख़राब होती हैं और उनमें कुछ एक्टिविटी भी नहीं होती, तो इस तरह की गेम्स होनी चाहिए। और माशाल्लाह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा बेटा अली जो है ना आ रहा है, बस वो खैर खैरियत से जल्दी से आ जाए, और मैं बहुत खुश हूँ उसके आने का सुनकर। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जो तंग दस्त हैं अल्लाह पाक उनकी तंग दस्ती दूर करे। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और बस दुआओं में याद रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप में मुझे इतना मोटिवेट करते हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।